गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। आज देश की एक ऐसी महान विभूति का जन्मदिवस है जिन्हें हम साहित्य जगत में और राजनीतिक जगत में, दोनों ही जगत में बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पूरा जीवन काव्य और एक सार्थक राजनीति को समर्पित रहा। आज अटल जी के जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ ऐसी पंक्तियां जो हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और जो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बयान भी करती है, ऐसी पंक्तियां मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। उनकी कुछ कविताओं में से मैंने तीन खास कविताएं जो हैं अलग की हैं, और ये वे कविताएँ हैं जो एक आम इंसान को जिंदगी के अध्याय से बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। अटल जी की एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही ख्यात कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। और आइए मैं वो कविता आप सभी के सामने पढ़ देता हूं और देखते हैं कि एक महान कवि ने किस तरह से जो रोज की हमारी द्वंद्व है, जो रोज की हमारी परेशानी है, उससे दूर रहने और निजात पाने के लिए आत्मबल को मजबूत करते हुए किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो कविता कुछ इस तरह है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और सम्मुख फैला गर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा आयती अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसी ही एक और कविता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी, और इस कविता का जो शीर्षक है वो ये बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफें हों, बाधाएं हों, असफलताएं हों, लेकिन एक नई शुरुआत फिर से हम कर सकते हैं और जीवन के उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसा ही संदेश उनकी ये कविता देती है। कविता है कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया चलाएं, आओ फिर से दिया चलाएं। और तीसरी उनकी जो कविता है वह नए साल के बारे में है कि जिस तरह से नववर्ष भी आने वाला है, तो किस तरह से जो बरस बीता है
वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर गया और क्या क्या चीजें छोड़कर गया, इस तरह का एक सार्थक संदेश देने की कोशिश पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कविता के माध्यम से की है। कविता कुछ यूं है कि झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरे सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। और सिकंचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। और पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन, लौट कभी आएगा मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को टैलेंटेड इंडिया की ओर से यही हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।